तो दोस्तों जान सा ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और उसके अलावा दिखाया जाता है कि जान सार में ना मतलब कि अब वो ना दोनों बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शेरमा भी अब उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसे वो दुआ भी अब उसे पसंद करती है। और वो दुआ के दोस्त उसे फ़ोन करके कहती है, कहती तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम्हें कितना अच्छा हीरो मिल गया। वो कहती है बस हाँ, कहती अब किस्मत पर ही था कि मतलब मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कहती मुझे इस बार भी मतलब था कि ऐसे कोई मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि उसके साथ जो पहले उसे धोखे वो मिले हैं तो उसे ये था ना कि इस बार फिर ना कोई धोखा शोका हो जाए, तो इसीलिए वो समझी थी मुझे धोखा ना हो। लेकिन शुक्र है उसके साथ इस बार धोखा नहीं हुआ, इस बार तो उसे फिर सच्चा हीरो मिल गया ना, इस बार तो समझ लो उसकी ज़िंदगी सेट हो गई है। और वो बड़ी ज़्यादा खुश जा रही होती है, नुशेरमा भी उसे बहुत प्यार करता है। और ना वो ऐसी नुशेरमा को कह देती है, कहती है अगर कल को आपका मेरे से दिल भर गया था मुझे भी छोड़ दोगे? तो वो कहता तुम्हें इस बात का डर ना, कहता ये जो है ना ये कहता ये पूरी अपनी कहता हवेली मैं कहता तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो कहती क्यों ये नहीं करने रहने से कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता फिर तुम्हें ये तो नहीं डर रहेगा ना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तो वो कहती छोड़ने की प्लानिंग है? कहती प्लान, वो कहता प्लानिंग तो है ही नहीं, कहता मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुमको कल को ये डर ना रहे। और उसके अलावा भी ना ड्रामा इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। उधर वो जो कश्मैला है वो रो के पागल हो रही होती है ये भैंस की मैं क्या करूँ, ये तो मुझे अब मुंह नहीं लगा रहा, दूसरी बीवी के पास चला गया ऐसे वैसे ऐसे वो बातें करने लग पड़ती है। अब वो जो होती है ना कश्मैला, उसकी जो नुकरानी है ना वो कश्मैला को बहुत ज़्यादा भड़का कर कहती है तुम खुद ना रो, फ़ायदा नहीं है, तुम उसे रुलाओ, उसे उसी उसकी औकात याद दिलाओ, उसे दिलाओ कि तुम एक गलत जगह से घराने से यहाँ से नहीं हो, वहाँ से नहीं हो। तो वो भाई इसे फ़ोन कर देती है, इसे फ़ोन करके कहती है, इसे कहती है कि तुम्हें उन्होंने बहू नहीं माना क्योंकि प्यार तो वो मिर्सी करती है। और वो उसका जो दुआ का रोने वाली शक्ल हो जाती है, वो उसे कहते हैं कि ये प्यार मिर्सी करती है, तो मतलब हम मिर्सी करते हैं शेरमा प्यार, कश्मैला कहती है। और कहती तुम्हें वो कुछ नहीं समझते, तुम्हें तो सिर्फ ऐसे बाहर के लिए रखा हुआ, कहती नहीं तो अम्मा सही और अब्बा सही वो शादी बनाते। और उसके अलावा कहती कि वो मैं इसीलिए कहती उधर रही। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि भाई वो जाफर उससे पूछता है कि भाई जाफर भाई बताओ कि कहाँ पर है वो, मतलब किसने हम पे हमला करवाया था। पहले जाफर कहता बस टकरार का मतलब डर रहा है कि आप लड़ोगे तो मुझे डर रहा है उससे। वो कहता किसने, फिर भी बताओ, कहता मैं तुझे कह रहा हूँ ना। तो वो कहता चलो बता देता हूँ। जब वो उसे बताता है ना तो उसे पता लग पड़ता है कि ये कश्मैला ने किया। वो भैंस की सीधा बंदूक लेके घर चला जाता है अपनी हवेली में। वो कहती उसकी माँ कहती बेटा बिना बताए तुम आ चुके हो। और फिर वो कश्मैला के ऊपर बंदूक टांगे खड़ा होता है, कहता तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे पे हमला करवाया। वो तो सोचता है कि उसे गोली मार ही दूँ लेकिन इससे जान छूट जाए। लेकिन अब मुझे ये भी नहीं कन्फर्म पता कि भाई ये जो दुआ है ये उसे बताएगी कि नहीं। भाई मेरी राय है ना दुआ भाई एक बार उसे बता दे नुशेरमा को ये सारी बातें, ये मुझे कश्मैला ने फ़ोन करे कही उसकी बीवी ने, और ये उसे कह दे आपकी कोई बीवी भी है तो ऐसा सारा अगर उसने बता दिया ना तो मैं तो कहता हूँ मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि वो उसे जब बताएगा ना सारा फिर वो जाकर कश्मैला का दोबारा सर फाड़ेगा, उसे कहेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मतलब एक बार भी नहीं सोचा, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई, तुमने मेरी दूसरी बीवी मतलब कहा कैसे, कहता तुम्हें तो मैं अभी भी कहता तलाक देना चाहता हूँ। तो वो उसे देने नहीं लगा होगा लेकिन फिर उसका बाबा से रोक देगा। और फिर वो ना इधर आकर इससे मिलेंगे भी मतलब कि इसे मतलब मिलेंगे भी ना दुआ से उसके बाबा से। और वो वैसे भी उसकी माँ तो अब उसे बहू मान चुकी है, उसका बाप भी मान चुकी होंगे। वो कहते चलो यार एक ही किया, पहले हमने उसके मोहब्बत छीन लिया अब छीन के क्या ही करना है, बस अब रहने देते हैं। तो वो ना बस फिर अपने कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अब दूसरे बेटे को कैसे अपने खो सकता हूँ, वो इससे इतना तो प्यार करता है। बस वो कहते चलो अपनी खुशी है तो उससे खुशी नहीं। लेकिन अब ये जो सीन इंटरेस्टिंग होना है ना, अब ये जो कश्मैला है ना, कश्मैला ने दुआ का फुल दिल तोड़ना है, तोड़ने के बाद दुआ और इसकी लड़ाई करवानी है, मतलब कि इनमें गलत फहमियाँ पैदा करवानी है। और आज दिखाया जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा भड़क जाएंगे एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को देखना भी चाहेंगे। दुआ तो इसे मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, पसंद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कश्मैला वहाँ बड़ी गेम में चला रही होगी, कश्मैला उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी, होगा तो ऐसे ही। लेकिन फिर ये भी दिखाई जा सकता है कि एंड पे तो ऐसा होना ही होना है कि दुआ वापस इसके पास आएगी और ये कश्मैला को तो वो देगा तलाक। अब भाई ड्रामे का कोई भी एपिसोड मिस करने वाला नहीं है, तो आप कोई भी एपिसोड मिस मत करना, मिस करने वाला है ही नहीं तो आप लोग मिस क्यों करोगे ना, कोई एपिसोड मिस मत करना। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फनी ड्रामा, वो फनी तो नहीं होता जा रहा यार बार बार, मैं पता नहीं फनी क्यों कहता हूँ, फनी तो मैं बनाता जाता हूँ, फनी नहीं होता जा रहा ड्रामा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कोई एपिसोड मिस नहीं करना, फुल इन्जॉय करना। तो बस दोस्तों ये जानसार का आने वाला एपिसोड का प्रोमोटिव रिव्यू आपको कैसा लगा अपनी राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।